बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 17 के नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, और हम आज फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट लेते हैं इसमें। तो हमें अगेन वही काम करना है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द गिवन कंडीशंस। हमें कंडीशंस गिवन है और हमने पॉइंट्स का लोकस फाइंड आउट करना है या पॉइंट्स का ग्राफ फाइंड आउट करना है। हमें इन कंडीशंस का ग्राफ फाइंड आउट करना है कि इसका ग्राफ किस तरह का है। फिफ्थ पार्ट में गिवन है मॉड ऑफ जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल वही मेथड अडॉप्ट करना है, पुट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जी की जगह पर आप लोगों ने एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर देना है। पुट कर दें जरा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा। जस्ट जी की जगह पर एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्लेस कर दिया। अब आप इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें, आयोटा कॉमन ले लें, ये बन जाएगा वाई प्लस वन, और यहां स्टूडेंट बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन। जस्ट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा किया। अब दोनों साइड्स पे स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, मॉडुलस का, मॉड का फॉर्मूला, यानी के रियल पार्ट का स्क्वेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर करेंगे, उनको एड अप करके रूट लेंगे उसका, तो एक्स स्क्वेयर बनेगा और वाई प्लस वन स्क्वेयर बन जाएगा इज इक्वल टू, राइट साइड पर भी मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर लें मॉडुलस का, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हमें बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, हमें एक सिंपल इक्वेशन बनानी है। तो सिंपल इक्वेशन के लिए आप लोगों को ये रेडिकल को ख़त्म करना पड़ेगा, ये रूट वाले सिंबल्स को ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो आप लोगों को मालूम है कि रेडिकल साइन खत्म हो जाएंगे और इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। इस साइड पर भी होल स्क्वेयर अप्लाई कर दिया और राइट साइड पर भी आप लोग अप्लाई कर दें। राइट साइड पर भी होल स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वेयर। अब आप दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड पर वाई प्लस वन होल स्क्वेयर पर ए प्लस बी होल स्क्वेयर और राइट साइड पर y माइनस वन होल स्क्वेयर पर a माइनस बी होल स्क्वेयर फॉर्मूलाज अप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू वाई और राइट साइड पर बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू वाई। अब आप लोग या तो लेफ्ट साइड को राइट के पास ले जाएं या राइट साइड वाली टर्म्स को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दें। हम राइट वाली टर्म को लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं सब टर्म्स को, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू वाई
माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इन तमाम टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो गए, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वन और प्लस टू वाई। अब देखें कैंसलेशन हो रही है, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल कर दें, वाई स्क्वेयर से कैंसिल कर दें और वन वन के साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी बचेगा टू वाई प्लस टू वाई फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों को मालूम है कि दो आर टर्म्स की प्रोडक्ट का आंसर कब जीरो की इक्वल आता है, जब दोनों में से कोई एक जीरो हो। अब आप लोगों को मालूम है कि फोर तो जीरो की इक्वल हो नहीं सकता, इससे मुराद है फिर कि वाई जीरो की इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज फोर इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर जीरो की इक्वल नहीं होता है। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आया यहां से वो वाई इज इक्वल टू जीरो। और जरा सोच के बताएं कि वाई इज इक्वल टू जीरो आपके पास किसकी इक्वेशन है, ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो इसका मतलब कि लोकस इस पॉइंट का क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट इज एक्स एक्सिस। लोकस ऑफ द पॉइंट इज एक्स एक्सिस। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट सिक्स। सिक्स पार्ट में गिवन है जेड प्लस थ्री मॉड प्लस जेड प्लस वन मॉड इज इक्वल टू फोर। वही काम करें आप, z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट कर दें, पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। दोनों मॉड में आपने पुट कर देनी है ये वैल्यू, x प्लस आयोटा y प्लस थ्री और प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू फोर। अब नेक्स्ट रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करें। एक्स प्लस थ्री चूंकि दोनों रियल हैं उनको कंबाइन कर दिया और आयोटा वाई अलग कर दिया। उसके बाद इसमें x प्लस वन रियल है, दोनों को कंबाइन करें और आयोटा y एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू फोर। अब आपको मॉड के दोनों के ऊपर मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों के ऊपर वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो x प्लस थ्री होल स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। और उसके बाद आप इस मॉड के ऊपर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करें, x प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन है और इसमें दो रेडिकल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो मेन टास्क है, मेन मकसद है वो रेडिकल को ख़त्म करना, ताकि एक्स वाई उससे बाहर आ जाए और हमारे पास एक सूटेबल कंडीशन आ जाए, हम सूटेबल कंडीशन गेन कर लें। तो अब इस तरह के रेडिकल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपने एक रेडिकल को राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है, एक रेडिकल को आप राइट साइड पर शिफ्ट कर दें। क्या फायदा होगा उसको राइट साइड पर शिफ्ट करने पर, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास एक साइड पर जो है वो रेडिकल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहीं पर स्क्वेयरिंग कर देते हैं और आपके आपके पास रेडिकल फिर खत्म नहीं होगा, तो आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन चूंकि दो रेडिकल में है तो फिर इसको राइट साइड पर, एक रेडिकल को राइट साइड पर शिफ्ट करने के बाद जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये इक्वेशन सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी,
जो कि इजी हो जाएगी। एक्स प्लस थ्री होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर। अब दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पर स्क्वेयरिंग करने के बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स तो स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से खत्म हो जाएंगे और स्टूडेंट्स बचेगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस एट अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर। अब मजीद आपने x प्लस थ्री होल स्क्वेयर और x प्लस वन होल स्क्वेयर के ऊपर a प्लस बी होल स्क्वेयर के फॉर्मूलाज अप्लाई करें तो बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एट अंडर रूट। इसमें भी आप यही होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बन जाएगा। अब आप ये रेडिकल वाली टर्म को इधर ही रहने दें और बाकी बगैर रेडिकल वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एट अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन। अब लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर से कैंसिल और वाई स्क्वेयर से कैंसिल कर दें और क्या बचेगा अब हमारे पास, सिक्स एक्स माइनस टू एक्स फोर एक्स और नाइन आपके पास, ये नाइन माइनस सिक्सटीन बल्कि 9 माइनस सिक्सटीन हमारे पास माइनस सेवन और माइनस सेवन माइनस वन माइनस एट, फोर एक्स माइनस एट बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस एट अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन। अब आप इन इक्वेशन चूंकि फोर से डिवाइड हो रही है दोनों इक्वेशन को फोर से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस टू अंडर रूट माइनस टू अंडर रूट आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन। अब नेक्स्ट भी स्टूडेंट हमें रेडिकल को खत्म करना है, अगेन वी हैव टू टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आप स्क्वेयरिंग करें तो आपके पास आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पर अगेन जब स्क्वेयर कर देंगे तो एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर और माइनस टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर। अब यहां पर ए माइनस बी होल स्क्वेयर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर
माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन। अब राइट साइड पर फोर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस फोर वाई स्क्वेयर प्लस फोर। अब हम लेफ्ट साइड वाली टर्म को राइट पर शिफ्ट कर देंगे, तो फोर एक्स स्क्वेयर प्लस एट एक्स प्लस फोर वाई स्क्वेयर प्लस फोर, इन तमाम टर्म्स के साइन आप चेंज कर दें, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस फोर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सिंप्लीफाई करें, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर थ्री एक्स स्क्वेयर, एट एक्स और प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर वाई स्क्वेयर और फोर माइनस फोर। स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो है इस पॉइंट का लोकस आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन प्लेन। ये इस पॉइंट्स का लोकस है जो कि अननोन, जो कि नोन नोन नहीं है हमें, बल्कि अननोन है, इसलिए हम इसको डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि ये एक्स स्क्वेयर एक्स और वाई में ये क्वाड्रेटिक है, तो ये जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हम इस तरह बगैर डिटेक्ट किए हुए नहीं बता सकते, जस्ट हमने लिख लेना है इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन प्लेन। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे आप लोगों को, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्व कर देंगे आप लोगों के लिए इसको मजीद भी। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचा करे और आप लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।